नमस्कार दोस्तों, आज हम बना रहे हैं शाही टोस्ट, जो इजीली बन जाते हैं और इन्हें स्टोर करके भी रखा जा सकता है। 10-15 दिन तो आराम से रहते हैं। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमारे इस वीडियो को और बाकी सारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए इसे बनाना शुरू करें और देखें क्या सामग्री लगेगी। इसे बनाने के लिए हमें लगेगा ब्रेड स्लाइस। सबसे पहले तो मैंने यहाँ 8-10 ली हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी बनाना हो। और चाशनी बनाने के लिए शक्कर लगेगी, तलने के लिए घी, थोड़े से मैंने पिस्ता बादाम लिया है गार्निशिंग के लिए, और इलायची पाउडर। आइए इसे बनाना शुरू करें। सबसे पहले हम चाशनी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए पॉट में शक्कर डालेंगे, थोड़ी गाढ़ी चाशनी लगेगी हमें। शक्कर डूबने इतना पानी डालेंगे। शक्कर घुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हम अपनी ब्रेड काट लेते हैं। ब्रेड आप तिकोनी भी काट सकते हैं, इसको स्क्वायर में भी काट सकते हैं, शेप इसका आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। मेरे पास ये कटर है, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। इस तरह इसी तरह सारी बना लेंगे। कटर से मैंने पूरे काट लिए हैं, अब इनको इधर रखते हैं। दूसरे पॉट में हम घी गरम होने के लिए रख देते हैं। इधर हमारी चाशनी हो रही है, थोड़ा टाइम हो रहा है। चाशनी हमारी बन रही है, शक्कर धीरे धीरे पिघल रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। इतनी देर में हम अपनी ब्रेड फ्राई कर लेंगे। ये हमारा घी अच्छी तरह गर्म हो गया है, इसमें हम इसको डाल के फ्राई करेंगे। गुलाबी होने तक इन्हें तलना है। थोड़े गुलाबी हो जाने के बाद इनको पलटें। गैस की फ्लेम स्लो रखें। ये गुलाबी हो गई बहुत अच्छी, और क्रिस्प भी आ गया है इनमें। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी भी तैयार कर लेते हैं। हमारी चाशनी भी लगभग बनकर तैयार है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। एक तार बनना चाहिए, ये तार हमारा बन रहा है, एक तार बराबर बन रहा है। इसको हम बंद कर देंगे अब गैस।
चाशनी हमारी बहुत अच्छी तरह ठंडी हो गई और थोड़ी गाढ़ी भी हो गई। इसमें हम इलायची पाउडर डाल देते हैं। इसे मिक्स करेंगे और एक एक कर कर ये हमारे ये डाल देंगे तले हुए पीस। इनको अच्छी तरह डिप होने करें। इसी तरह सभी को कर लेंगे। से 15 मिनट गलने के बाद इनके अंदर चाशनी बहुत अच्छे से समा जाएगी, फिर इन्हें निकालेंगे। हमने चाशनी में से निकाल लिए हैं, अब इनके ऊपर पिस्ता और बादाम डाल देंगे हम। बारीक कतरन है, ये हमारे शाही टोस्ट बनकर तैयार हैं।